लंबुआ सुल्तानपुर में लगा स्वास्थ्य मेला। लंबुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप लगा स्वास्थ्य मेला, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ तथा आयुर्वेद के डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि लंबुआ विधायक श्री सीताराम वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी लंबुआ, वीडियो लंबुआ सहित भाजपा के कई नेता के साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों के मांग पर डिजिटल एक्सरे तथा अल्ट्रासाउंड लगवाने का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मिला आश्वासन। विधायक जी ने लंबुआ के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का दिया आश्वासन। क्या कार्यक्रम था सर आज? ये आजादी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया, एक साल चले गए और उसके उपलक्ष्य में ये चिकित्सा मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रदर्शनी लगाई गई थी और हमारे चिकित्सक उसको गाइड करने के लिए भी यहाँ पर। जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर कुछ डिमांड रखी गई है, कब तक उम्मीद है पूरी हो जाएगी? अभी तो रखी नहीं गई है। यहाँ पे एक्सरे मशीन के लिए बड़ी दिक्कत है, डिजिटल एक्सरे मशीन हमने कहा यहाँ है, उन्होंने कहा ठीक कराई जाए या दिया जाए, नहीं है ना, ठीक करा ले, ठीक हो गए, डिजिटल का जमाना आ गया था, नया दे देंगे हम। सीएमओ साहब साथ में है, अल्ट्रासाउंड की बड़ी डिमांड है यहाँ पर, तो क्या उम्मीद रखी जाए, मिल जाएगी? अब देखा जाए, कोशिश की जाए। सर अर्थों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से कोई भी एक्सीडेंट होता है तुरंत यहाँ से रेफर किया जाता है, यहाँ पे कोई हड्डी रोग कितने तक नहीं है यहाँ पे। देखिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की आपको मालूम है कि हमारे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में कमी है, तो लिमिटेड विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं और उसमें से कई स्पेशलिटी के लोगों को हमने एक एक दो दो दिन डिफरेंट उससे कर रखा है, और मैं देखता हूँ औरतों के लिए भी कहीं से एक या दो दिन के लिए यहाँ किसी को कर देता हूँ। सर यहाँ पेयजल की बड़ी समस्या है। अच्छा, और बाउंड्री वाल? बाउंड्री वाल के लिए तो हमारी अभी माननीय विधायक वार्ता हुई, सीनियर साहब से भी वार्ता हुई और सर ने कहा है कि मैं सर को जो है लिखते हूँ, यहाँ का जो भी पूरा बना जाना तो सर शासन स्तर पर उसको कर देंगे। लेकिन सब पेयजल की व्यवस्था जरूर हो जाए, क्योंकि तहसील मुख्यालय है। बिल्कुल पेयजल की व्यवस्था अगर हो जाए मैं उसमें दिखाता हूँ। और रही बात एक्सरे की, तो अभी माननीय विधायक जी ने बदैया में दिए सर, लंबे डिजिटल एक्सरे के लिए दिया है और मैं दिखवा लेता हूँ। नहीं सर ने ये कहा है, विधायक हो गए सर के लिए माननीय विधायक जी ने ये कहा है, ये वादा किया है कि अगर ये मशीन ठीक हो जाती है अन्यथा यहाँ के लिए भी वो डिजिटल मशीन देंगे। सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ दूर दरों से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, इन तरह के मेलों का उद्देश्य है सरकार की योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और सरकारी योजनाओं के विषय में जानते रहे, इसलिए सरकार ये व्यवस्था है कि इस मेले के लिए अन्य विभागों के और लोन लोन के विषय में भी जाने और उसका लाभ उठाया जाए। दो कानून है, एक तो विकास दूसरा मनों के लिए चुनाव है, और उसके विकास में विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है है। अगर हम स्वस्थ नहीं गए तो काम का इसी को ध्यान रखते हुए मेरे आयोजित किए जा रहे हैं चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही जो अंदर बातें ध्यान रखते हैं स्वास्थ्य के लिए उसका भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। आप सभी का अनुरोध है आप देखिए उसको फिर आप खाइए।
हमारे भाइयों क्योंकि अनगिनत स्कीम है हमारे स्वास्थ्य में बांट गई थी। इतनी स्कीम है कि जब तक हम उसको पेपर पे लिखते ना बताए तब तक याद नहीं आते। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार ने इतनी स्कीम लाई है और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो हस्पताल पे जाके आप देखें और हमारा यही वो है कि उनसे आप लाभान्वित हो। अब मैं बहुत ज़्यादा समय न लेके सभी अतिथिगण का हमारे माननीय विधायक जी का जिनका कि मैं लगभग एक साल से हूँ पूरे उससे उनका बराबर स्नेह मुझे मिलता रहा है। स्वास्थ्य विभाग की हर समस्याओं में उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। अभी पिछले कोरोना काल में मैंने उनसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए आग्रह किया।